गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कुछ और ऐड ऑन किया है। कोपरखेना के लोग हमारे पास आए थे, हमने उनसे मीटिंग करके हमें भी और कुछ ऐड ऑन मिला है, उन्हें भी मदद करेंगे। उनके यहाँ पे जो बिल्डर ने धांधलीबाजी हो रही है वो तकरीबन 520 का दे रहा है, तो हमने जो बनाया वो नियर अबाउट 1300 to 1500 के करीब उनको कारपेट एरिया मिलेगा। तो हम तो सभी यही बोलते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट जाओ और कुछ ऐड ऑन हुआ, और ये बात तो पक्की होगी, आपका कोई भी रोड हो, छोटा रोड हो बड़ा रोड हो, आप सभी को मिनिमम टू मिनिमम 3 FSI 100% मिलेगी। इसके ऊपर ऐड ऑन होता है, आप हमारे पास आएँ, हम या हमें बुलाएं, आपकी कमेटी के सामने बैठते हैं, सब डिस्कस करते हैं, कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, विद इन अ मंथ आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर पूरा किया है, और हमें व्यू करने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन 1500 के करीब लोग हैं। तो उन्हें सबको रिक्वेस्ट किया जाता है, प्लीज़ प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलके, देखिए कल भी ऐसा ही हुआ कि हमारे पास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो हमारे पास आए कि बताओ क्या है क्या नहीं। मैंने उनको कुछ कैलकुलेशन भेजी थी, उनको मैंने कुछ तो दिया लेकिन उनसे लिया भी। तो हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, कई फील्ड्स में कर सकते हैं। तो चलो आज हम अभी चलते हैं, नगर पालिका को फॉलोअप कर रहे थे, कुछ चाइनीज़ वड़ा पाव वाला है, ग्रिल पर बार लगाई है, कपड़े की दुकान है, इनके सबकी कंप्लेंट की थी ऑनलाइन में, और ज़रा नगर पालिका वाले लोग उस कंप्लेंट को क्लोज करते जा रहे हैं। किस बेस पे क्लोज कर रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनके बाद आज जाके मीटिंग करेंगे और आपको भी सूचित करेंगे। और ये तो 100% हो गया कि सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए आपका अगर छोटा रोड भी है, 15 मीटर का भी रोड है, तो आपको 3 FSI 100% मिलेगी। चलिए वाशी चलते हैं अपने ऑफिस में और वहाँ से नगर पालिका में चलेंगे और आपको बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। चलिए चलिए फ्रेंड्स, हम वाशी में आ चुके हैं, चलते हैं नगर पालिका में, फीडबैक लेते हैं उनसे कि उन्होंने हमारी कंप्लेंट्स क्लोज की कैसे जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए मिलते फ्रेंड्स, हम लोग नगर पालिका के ऑफिस में आ गए हैं जो कि सेक्टर 16A में है। फायर ब्रिगेड है सामने, उसके पीछे ये बिल्डिंग जो है ये नगर पालिका की है। चलते हैं, मिलते हैं ऑफिसर्स को, वाइस कमिश्नर सर मिलते हैं तो उनसे मिलते हैं, नहीं है तो देखते हैं। और उन्होंने क्यों अपने आप बंद कर दिया है, ग्रीवेंस में जो डाला गया था वो बंद कर दिया उन्होंने, चेक करते हैं। चलिए चलते हैं नगर पालिका ऑफिस। महानगर पालिका सी वार्ड ऑफिस है करके, देखिए बोर्ड। चलते हैं, वाइस कमिश्नर सर से मिलते हैं अंदर, यहाँ से लिफ्ट से जा रहे हैं, 6th फ्लोर में जाएंगे, लिफ्ट आ रही है। सिक्स फ्लोर में आ गए हैं, सी वार्ड ऑफिस 6th फ्लोर। चलते हैं अंदर, देखो 6th फ्लोर है, विभाग अधिकारी शूटिंग करू ना का हमसे अधिकारी, विभाग अधिकारी। अंदर जाते हैं, मिलते हैं उनसे, पूछते हैं उनको कि उन्होंने ग्रेवियंस विदाउट बिना काम किए कैसा बंद किया। नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हमारे नगर पालिका के अधिकारियों से बातचीत हुई है, हम ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, देखिए विभाग अधिकारी कार्यालय है,
उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उन सब पे कार्रवाई जरूर होगी। चलो उनके आश्वासन को देखते हैं। उन्होंने कुछ एप्लीकेशन में कुछ और बदल करने को बोला है नेक्स्ट टाइम से, वो भी हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं, ऑफिस में चलते हैं, कुछ होता है तो आपको जरूर फोन करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, अभी आपने नगर पालिका के ऑफिसर से बात की है। ये पीछे बिल्डिंग है नगर पालिका की, सेक्टर 16 में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है उन सभी पे कार्रवाई जरूर होगी। कुछ एप्लीकेशन में उनको फ़ोटोज़ नहीं मिली, कुछ ऐप का इशू है, जबकि मैंने फ़ोटोज़ अपलोड की थी। उन्होंने ब्रीफ में भी देने को बोला है, तो कुछ पेपर वर्क करेंगे, मिलेंगे हमें, तो कार्रवाई ज़रूर होगी। जो भी इलीगल काम करते हैं, अनऑथराइज काम करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हो कुछ हो, उन पे कार्रवाई बनती है। जो हफ्ता लेते हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये हफ्ता कानूनन गुनाह है। ये हफ्ता लेने वालों के खिलाफ ये गुरु सेना हमेशा खड़ी होगी। बेईमानों के खिलाफ तो जरूर होगी। हमारा स्लोगन है कि गुरु सेना एक लाठी है। ये जो बुजुर्ग हैं, मजलूम हैं, जिनको हेल्प चाहिए, ये लाठी उनके सहारे के काम आएगी। और यही लाठी जो बेईमान हैं, ये उनके भी काम आएगी। इसलिए गुरु सेना हरदम तैयार बेईमानों के लिए, बेईमानों को कहीं भी नहीं छोड़ेगी। चलिए चलते अपने ऑफिस में।